नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त मानु भार्गव और आप देख रहे हैं जीके विद मानु चैनल। साथियों, आज के वीडियो में हम जानेंगे जहां समयमान वेतनमान या क्रमोन्नत वेतनमान जो मिलने वाला है उसके आदेश जारी हो गए हैं और इसमें कौन से शिक्षक पात्र होंगे और कहां का जिले का यह आदेश जनरेट हुआ है। साथ में क्रमोन्नत वेतनमान या समयमान वेतनमान कब से कितने सेवा अवधि होने के बाद शिक्षकों को मिलेगा, तो इस वीडियो के अंतर्गत हम जानेंगे। आप इसी प्रकार से शिक्षा विभाग से संबंधित लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। साथियों, समयमान वेतनमान पर यह जानकारी मांगी गई है, जैसे कि टीचर का टीआर नंबर मांगा गया है, उच्च माध्यमिक शिक्षक का नाम, वर्तमान पद यानी जो शिक्षक है उनका वर्तमान पद, संस्था विकासखंड का नाम, प्रथम नियुक्ति दिनांक और प्रथम नियुक्ति दिनांक का प्रकार क्या है, सीधी भर्ती है या समुदाय या शिक्षाकर्मी या पदोन्नति हुई है उस पद पर, अध्यापक संवर्ग में सम्मिलन का दिनांक, जब माध्यमिक शिक्षक उच्च माध्यमिक शिक्षक पर सम्मिलन दिनांक, प्रथम नियुक्ति दिनांक में 10 या 10-20 वर्ष सेवा पूर्ण होने पर। तो साथियों, जहां समयमान वेतनमान की यहां पर बात निकल करके आ रही, 10 वर्ष आपके सेवाकाल को पूर्ण हो गए हैं या 20 वर्ष हो गए हैं, तो उस पर यह है समयमान वेतनमान दिया जाता है। समयमान वेतनमान प्रदान करने की पात्रता का दिनांक इसमें लिखना है और विगत 5 वर्ष की गोपनीय प्रतिवेदन विवरण इसमें दिया गया है ये, और विभाग जाँच निलंबन आपराधिक प्रकरण या अन्य कोई कार्रवाई का प्रचलन में हो उसका उल्लेख है या नहीं और रिमार्क करके देना है। तो साथियों, इस प्रकार की जानकारी मांगी गई है और वही नोटमेंट दिया गया है। समयमान हेतु प्रस्ताव 10 वर्ष या 20 वर्ष की सेवा की पृथक पृथक सूची आपको मांगी गई है। वही जिला विभाग से, शिक्षा विभाग से प्रति नियुक्ति पर आए उच्च माध्यमिक शिक्षकों के प्रस्ताव सूची में शामिल नहीं किए जाएंगे, उन्हें उनके प्रस्ताव मूल विभाग से प्रेरित किए जाएंगे, उनकी जानकारी पृथक से इस कार्यालय को देवे। तो साथियों, जो जहाँ प्रतिनियुक्ति पर जो शिक्षक हैं तो उनकी जानकारी नहीं मांगी गई है, उनके मूल विभाग से यह जानकारी मांगी गई है। इसके लिए मूल विभाग के लिए आपको किस प्रकार का आवेदन लिखना है, इस पर हम एक वीडियो लेकर के आ रहे हैं। साथियों, अब हम वह आदेश देखते हैं, आदेश में क्या दिया गया है, क्रमोन्नत या समयमान वेतनमान का आदेश क्या है। जहाँ लंबे समय से मध्य प्रदेश शिक्षक क्रमोन्नति या समयमान वेतनमान का इंतजार कर रहे हैं, तो साथियों यह प्रस्ताव मंगाए गए हैं जो कि उच्च माध्यमिक शिक्षक के हैं और इसी प्रकार से माध्यमिक शिक्षक, प्राथमिक शिक्षक के भी शीघ्र ही मंगाए जाएंगे क्रमोन्नति से संबंधित डॉक्यूमेंट दस्तावेज। तो साथियों, यह जो प्रति में दिया गया विकासखंड शिक्षा अधिकारी समस्त इस जिले के, और वही विषय में दिया गया उच्च माध्यमिक शिक्षक के समयमान वेतनमान प्रस्ताव के संबंध में। तो साथियों, शीघ्र ही सभी जिलों में इस प्रकार के आदेश होना चाहिए और हमारे मध्य प्रदेश के जहाँ 2006 और उसके बाद नियुक्त जितने भी जो शिक्षक हैं उन्हें अभी तक क्रमोन्नति का लाभ नहीं मिला है, क्रमोन्नति या समयमान वेतनमान का, तो शीघ्र ही सभी विभागों के इस प्रकार के आदेश होना चाहिए। आगे हम देखते हैं संदर्भ, जो लेटर दिया गया 17/2/2023 का है, वही उपरोक्त विषय अंतर्गत संदर्भित पत्र के माध्यम से उच्च माध्यमिक शिक्षकों के क्रमोन्नति प्रस्ताव चाहे गए थे। वरिष्ठ कार्यालय से प्राप्त नवीन निर्देश अनुसार उच्च माध्यमिक शिक्षकों के समयमान वेतनमान के प्रस्ताव चाहे गए हैं, अतः क्रमोन्नति के स्थान पर जनवरी 2023 तक जिन उच्च माध्यमिक शिक्षकों को समयमान वेतनमान की पात्रता आ रही है उसे समयमान वेतनमान का प्रस्ताव विगत 5 वर्षों की गोपनीय चरित्रवली व प्रथम नियुक्ति आदेश सम्मिलन आदेश के साथ साथ समस्त संकुल केंद्रों के प्रस्ताव संकलित कर संलग्न प्रारूप में इस 1 सप्ताह के में अनिवार्य रूप से कार्यालय में विशिष्ट वाहक हस्ते प्रेरित करना सुनिश्चित करें। तो साथियों, जैसा कि 1 सप्ताह के अंतर्गत गोपनीय चरित्रवली और प्रथम नियुक्ति दिनांक और अध्यापक समर्पण सम्मेलन की डेट समेत इस प्रकार की जानकारी मांगी गई है और शीघ्र ही यह आदेश जारी होंगे। तो साथियों, जो आदेश जारी हुआ है वह कलेक्टर जनजातीय कार्यालय विभाग जिला खरगोन से हुआ है और इसी प्रकार के अन्य जो जनजातीय 89 जितने भी ब्लॉक हैं और जनजातीय कार्य विभाग में यह प्रोसेस चल रही है। शीघ्र ही शिक्षा विभाग में इस प्रकार की प्रक्रिया होना चाहिए और शिक्षा विभाग DPI से के जितने भी स्कूल संचालित हैं तो उनमें भी शीघ्र ही समयमान वेतनमान या क्रमोन्नति संबंधित जिला से इस प्रकार के ऑर्डर होना चाहिए।